I hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So starting with today's topic, that is shock. ठीक है, shock क्या होता है कि अगर cardiac output और जो blood volume है उसमें आपको कमी नज़र आए, ठीक है, there is a decrease in the cardiac output or the blood volume that is circulating in your vessels, ठीक है, अगर उसमें कमी आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन होती है. ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ शॉक. सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन वाली कंडीशन को जो कि बेसिकली किस वजह से है, कार्डियक आउटपुट में कमी की वजह से या फिर आपके ब्लड वॉल्यूम में कमी की वजह से हमारे पास एक सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन वाली कंडीशन होती है, उसे हम शॉक का नाम देते हैं. ठीक है, अब एंड रिजल्ट शॉक का क्या होता है कि हाइपोटेंशन हो जाएगी पेशेंट में. ठीक है, इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन होगी और सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगा अल्टीमेटली. ठीक है, इनिशियली जो सेलुलर इंजरी है शॉक की वजह से वो रिवर्सिबल होती है, लेकिन अगर शॉक ज़्यादा देर के लिए प्रजिस्ट कर जाए तो इवेंचुअली जो टिश्यू इंजरी है दैट बिकम्स इरिवर्सिबल. ठीक है, रिवर्सिबल से वो इरिवर्सिबल में चेंज हो जाती है. अब हमारे पास हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ शॉक क्या हैं. तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ शॉक हैं, एक है कार्डियोजेनिक, दूसरा है हाइपोवोलेमिक एंड तीसरा है सेप्टिक. कार्डियोजेनिक शॉक बेसिकली किस वजह से होता है, अगर किसी मायोकार्डियल पंप में फेलियर आ जाए. ठीक है, और ये आपको नज़र आएगा इंट्रिंसिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में या वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में. ठीक है, फिर आपके पास हाइपोवोलेमिक शॉक है, ये किस वजह से है कि अगर ब्लड या प्लाज्मा वॉल्यूम में कमी आ जाए, और ये आपको नज़र आएगा हेमरेज में, फ्लूइड लॉस में, जो कि आपको बर्न, स्वेयर बर्न या ट्रॉमा में नज़र आता है. ठीक है, इसके अलावा आपके पास है सेप्टिक शॉक, ये किस वजह से होता है कि अगर सिस्टेमिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से आपके पास सेप्टिक शॉक होता है. कोई भी अगर सिस्टेमिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से सेप्टिक शॉक होता है. ये मोस्ट कॉमनली आपको ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में नज़र आएगा, जो कि आप नाम देते हैं इनको एंडोटॉक्सिक शॉक का. ठीक है, मगर ग्राम पॉजिटिव और फंगल इन्फेक्शन में भी सेप्टिक शॉक दिखाई देता है. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ शॉक. आगे हम देखते हैं कुछ और टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास, ये तो 3 मेन थी, अब इसके अलावा कुछ और हैं लाइक न्यूरोजेनिक शॉक भी होता है. ये किस वजह से होता है कि अगर एनेस्थीजिया की आप ओवरडोजेज कर दें पेशेंट में. ठीक है, या फिर अगर पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इन कंडीशन की वजह से वेस्कुलर टोन का लॉस होगा और अल्टीमेटली आपकी पेरिफ्रीज में जो ब्लड है वो पूल कर जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है. ठीक है, देन इज एनाफिलेक्टिक शॉक. इसमें हमारे पास मेनली इट इज़ इनिशिएटेड बाय जनरलाइज्ड आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक जो है दैट इज़ इनिशिएटेड. ठीक है, और ये बेसिकली एसोसिएटेड होता है सिस्टेमिक वैसोडायलेशन से के साथ, और अल्टीमेटली सिस्टेमिक वैसोडायलेशन के बाद हो जाती है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमियबिलिटी इन केस ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक. ठीक है, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ शॉक्स कंप्लीट हो गई हैं. आगे हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं शॉक के. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शॉक ये हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसमें आपको कमी नज़र आएगी. इसके अलावा कार्डियक आउटपुट और टेकिकार्डिया हो सकता है. कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो सकता है और टेकिकार्डिया भी हो सकती है. ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, कार्डियक आउटपुट लो होगा, टेकिकार्डिया हो सकती है. इसके अलावा वेजो कंस्ट्रक्शन हो सकती है आपके स्किन में और स्प्लैंकनिक एरियाज में. इसके अलावा ओलिग्यूरिया हो सकता है. ठीक है, यानी हाँ जी, ओलिग्यूरिया हो सकता है, कोल्ड बेड स्किन हो सकती है. ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी इन पेशेंट्स ऑफ शॉक. ठीक है, इसके अलावा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है. ठीक है, एक्सेप्ट सेप्टिक शॉक के अलावा बाकी हर शॉक में बॉडी टेम्परेचर कम होता है, सिर्फ सेप्टिक शॉक में जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता है. ठीक है, इसके अलावा आपको शॉक की कंडीशन में डिसोरिएंटेशन नज़र आएगी पेशेंट में और मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको नज़र आएगा पेशेंट में. ठीक है, देन हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं शॉक की. पहली स्टेज है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ शॉक, जो कि कंपनसेटेड होती है. ठीक है, इट कैन बी कंपनसेटेड बाय सम कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ सर्कुलेशन, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट और बीपी जो है वो नॉर्मल लेवल्स अटेन कर लेता है. अब होता क्या है नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटेड स्टेज में, इसमें बेसिकली आपके बैरोसेप्टर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो कैटेकोलामीन्स हैं वो हार्ट रेट को जो है वो बढ़ा देती हैं. ADH का रिलीज आपकी वाटर रिटेंशन करा देगा. ठीक है, रेनिनएंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे आपके वाटर रिटेंशन ये भी कराएगा. ठीक है, इसके अलावा जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन है, इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ योर शॉक. ठीक है, अगर शॉक प्रोग्रेस कर जाए तो प्रोग्रेसिव स्टेज में हमारे पास क्या होता है,
प्रोग्रेसिव स्टेज में ये होता है कि इसको हम पहली बात की कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से जो है इसे हम सही नहीं कर सकते। कंपेंसेटरी मैकेनिज्म सिर्फ नॉन प्रोग्रेसिव स्टेट में जो है वो काम करता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्टेट में आपके पास कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स कोई फ़ायदा नहीं देते, ठीक है। अब होता क्या है प्रोग्रेसिव शॉक में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली जो वेस्कुलर टोन है, सॉरी वेजोमोटर टोन है, वो कम हो जाएगी। वेजोमोटर टोन कम होगी, इसकी वजह से आर्टेरियोल्स डायलेट करेंगी, ब्लड की पूलिंग होगी, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोक्सिया होगा और डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होगी, ठीक है। ये था आपका प्रोग्रेसिव शॉक का मैकेनिज्म क्या है, कि इसमें कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जो है वो कोई फ़ायदा नहीं देता, ठीक है। इफ़ अंडरलाइन कॉज इज नॉट करेक्टेड, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म बिगिंस टू फेल, ठीक है। अगर यानी प्रोग्रेसिव शॉक इस तरह से हो जाए तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। अब क्या होता है बेसिकली प्रोग्रेसिव शॉक में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होगी उसकी वजह से क्या होगा कि वेजोमोटर टोन जो है वो कम हो जाएगी, आर्टेरियोल्स डायलेट कर जाएंगे और ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया जो है वो आपको नज़र आएगा हर जगह पे, और इसके अलावा डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होगी। अब जो प्रोग्रेसिव शॉक वाली कंडीशन होती है ना, इसमें आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नज़र आएगा, ठीक है, और ये विशियस साइकिल जो है वो चला देगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो COP है, वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपर परफ्यूजन, वो कम हो जाएगा। COP वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन जो है वो इस विशियस साइकिल की वजह से कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्रोग्रेसिव शॉक। देन है हमारे पास इरिवर्सिबल शॉक। इरिवर्सिबल शॉक में ये होता है कि आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होता जाता है ड्यू टू प्रोग्रेसिव शॉक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बहाल करने के लिए आप थेरेपीज भी देते हैं, लेकिन उस थेरेपी का भी अगर कोई फ़ायदा आपको नज़र ना आए और अल्टीमेटली डेथ हो जाए, तो इसको आप कहते हैं कि दिस इज़ इरिवर्सिबल शॉक, ठीक है। जो कि डेथ जिसमें आपको हो के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो डेट इज़ इरिवर्सिबल शॉक। इसमें वाइड स्प्रेड टिश्यू इंजरी होती है मेनली, और परफ्यूजन हो चुकी है आपकी ब्रेन में, मायोकार्डियम में एट क्रिटिकल लेवल्स, ठीक है। इसकी वजह से मेनली डेथ होती है, ठीक है। इसके अलावा एडवांस्ड डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन आपको नज़र आती है, यानी एडवांस्ड DIC आपको नज़र आएगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो फेल कर जाते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि ये इरिवर्सिबल शॉक है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द 3 स्टेजेस ऑफ शॉक। अब हम सेप्टिक शॉक देखते हैं। सेप्टिक शॉक जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि इसमें सबसे पहले तो आपके पास सिस्टेमिक वैसोडायलेशन होगी, इसके अलावा हाइपोटेंशन होगी, टेकिकार्डिया होगा, डिप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, वेस्कुलर लीकेज होगा, एडीमा होगा, हाइपोविलीमिया होगा, ठीक है। आपकी ऑर्गन्स की तरफ कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको DIC नज़र आएगी, यहाँ पर फीवर नज़र आएगा, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लड गैसेज और एसिडोसिस आपको नज़र आएगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नज़र आएगा और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यहाँ पे अल्टीमेटली हो जाता है सेप्टिक शॉक वाली कंडीशन में, ठीक है, ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी कंडीशंस हैं जो कि ट्रिगर करती हैं इन सेप्टिक शॉक, ठीक है। माइक्रोबियल कौन सी कंडीशंस हैं जो ट्रिगर करती हैं सेप्टिक शॉक, ऑब्वियसली माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक होते हैं मेनली। तो सबसे पहले तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, उसके एंडोटॉक्सिन्स जो हैं, और इंडोटॉक्सिन बेसिकली क्या है, उसके बैक्टीरियल वॉल लिपोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो कि सेप्टिक शॉक कराते हैं। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपोटिकोइक एसिड्स होते हैं, या आप जिन्हें सेल वॉल म्यूरामाइड पेप्टाइड्स कह सकते हैं, वो कॉज कराते हैं सेप्टिक शॉक, ठीक है। सुपर एंटीजेंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्टिक शॉक, ठीक है, और ये आपको नज़र आएंगे स्टेफाइलोकोकल जो बैक्टीरियाज हैं उनमें, लाइक उसके अंदर आपको पता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जो कि सुपर एंटीजन है, और ये भी आपके पास सेप्टिक शॉक करा सकता है, ठीक है। फिर कुछ फंगल पैरासाइट्स और वायरसेस हैं, फंगजाई वायरसेस और पैरासाइट्स हैं, वो भी आपके पास सेप्टिक शॉक करा सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर एक ओवरव्यू देखें सेप्टिक शॉक का, या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक की अगर एक ओवरव्यू देखें, तो सबसे पहले हमारे पास सेप्टिक शॉक में होता ही है कि कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर वो नज़र आएगा कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंडोथीलियम में एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होंगी, अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस कर जाएगा, और फिर फाइनली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक इन अ जनरलाइज्ड वे अगर हम बात करें तो, ये होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले ना सेप्टिक शॉक में होती है बैक्टीरियल मीडिएटेड सेप्सिस,
अब बैक्टीरियल मीडिएटेड सेप्सिस में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया की लिपोपोलीसेक्राइड्स है ना वो बाइंड कर जाते हैं आपके लिपोपोलीसेक्राइड बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ। जब इन्होंने बाइंड की बैक्टीरिया के अगर स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो लिपोपोलीसेक्राइड्स हैं इन्होंने जब लिपोपोलीसेक्राइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड किया ना तो इन्होंने क्या किया कि मैक्रोफेजेस पे जो CD14 रिसेप्टर्स थे ना उनको एक्टिवेट किया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग हुई वाया दिस टू लाइक रिसेप्टर्स है जो टू लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इनके जरिए फिर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग हुई जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स ये मैक्रोफेजेस यानी एक्टिवेट हुए। जब ये एक्टिवेट हुए तो इन्होंने क्या किया कि हमारे पास कुछ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस किए। उनमें से मेनली हमारे पास कुछ प्राइमरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं जिनमें आपके पास इंटरल्यूकिन 1 ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा HMGB1 इंटरल्यूकिन 12 और इंटरल्यूकिन 18 जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरियल मीडिएटेड सेप्सिस होती है। बैक्टीरियल मीडिएटेड सेप्सिस के बाद हमारे पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपके पास प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की रिलीज करवाते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें यहाँ पे बैक्टीरियल मीडिएटेड सेप्सिस की वजह से क्या हुआ कि ये मैक्रोफेजेस या जो न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स वगैरह जो हैं ये एक्टिवेट हुए जिन्होंने हमारे पास ये साइटोकाइंस रिलीज करवाए जिसमें जो है नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इंटरल्यूकिन 1 HMGB1 वगैरह। ठीक है, जब ये रिलीज हुआ इन्होंने क्या किया आपके एंडोथेलियल सिस्टम की एक तो एक्टिवेशन कराई, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ और मीडिएटर्स जो हैं उनको एक्टिवेट किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को भी एक्टिवेट किया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इस बैक्टीरियल मीडिएटेड सेप्सिस से एक्टिवेशन जब हो रही है आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की तो उससे हमारे पास जो रिलीज़ हो रहे हैं ना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ये हमारे पास बेसिकली क्या करते हैं।